राग जौनपुरी आशावरी ठाट के एक बहुत ही सुंदर और महत्वपूर्ण राग है। महत्वपूर्ण मैंने इसलिए कहा कि जौनपुरी और आशावरी में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। जब जौनपुरी गाया जाता है तब लगता है आशावरी गा रहे हैं, और जब आशावरी गाते हैं तब लगता है जौनपुरी गा रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कम डिफरेंसेस है। तो पहले देख लेते हैं इस राग का परिचय क्या है। जैसा कि आपको मैंने बताया है, ठाट आशावरी, वादी स्वर धैवत यानी ध, संवादी स्वर गंधार यानी ग। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहती हूँ, वादी स्वर और संवादी स्वर के ज़रिए हम राग के रूप को थोड़ा बहुत जान सकते हैं। वो कैसे? वादी स्वर धैवत है, मतलब ध, तो वादी स्वर ध अगर होगा तो राग ना उत्तरांग प्रधान हो सकता है। ये राग भी उत्तरांग प्रधान है। पूर्वांग प्रधान और उत्तरांग प्रधान क्या होता है ये मेरे दूसरे वीडियो से आप देख लीजिएगा। उत्तरांग प्रधान मतलब थोड़ा ऊंचा ऊंचा गाया जाता है, और पूर्वांग मतलब थोड़ा नीचे नीचे गाया जाता है। पूर्वांग को हम मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक को ज़्यादा गाते हैं, ज़्यादा हम तार सप्तक को नहीं गाते हैं। और उत्तरांग प्रधान राग में मध्य सप्तक और तार सप्तक को गाया जाता है, मंद्र सप्तक को थोड़ा कम गाया जाता है। तो चलिए, वादी संवादी के साथ राग का रूप किस तरीके से रिलेट करता है मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। इसके बाद आता है कि ये गायन समय क्या है। समय है दिन का दूसरा प्रहर। दिन का दूसरा प्रहर मतलब कुछ हद तक ये दोपहर तक के राग है, मतलब दोपहर तक गाया जा सकता है। वैसे तो आजकल कभी भी गाते हैं, मतलब हम सुनते भी हैं, गाते भी हैं, रियाज भी करते हैं, लेकिन हाँ, हमें जानना ज़रूरी है कि ये जो राग है ये कौन सा समय का राग है। जाति है षाड़व संपूर्ण। यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। षाड़व संपूर्ण मतलब आरोह में कोई भी एक स्वर वर्जित होगा, और संपूर्ण मतलब पूरे स्वर है। अब यहाँ पर आरोह में ओनली ग वर्जित है। अब आशावरी में ग और नी दोनों वर्जित है। यहाँ पर हमें आशावरी से बचाना पड़ेगा। अगर हम सारे म प ध तक गाते हैं ना, तो किसी को पता नहीं चलता है कि ये जौनपुरी है कि आशावरी है। क्यों? क्योंकि अगर नी गाते हैं तो वो हो जाएगा जौनपुरी, अगर नी नहीं गाएंगे तो हो जाएगा आशावरी। आरोह की बात कर रही हूँ। इसका मतलब है कि इस राग में आरोह में केवल एक स्वर वर्जित है, वो है ग, और आशावरी में ग और नी दोनों वर्जित है। अवरोह दोनों के संपूर्ण है। तो अवरोह जब करते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इसको आशावरी और जौनपुरी मिला जुला राग लगता है। राग में कौन कौन सा कोमल स्वर आता है? कोमल स्वर है ग, ध और नी। देखिए, यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है कि अगर रेगा धानी गाएंगे तो वो हो जाएगा भैरवी ठाट। तो यहाँ पर रे को शुद्ध लिया गया है, ओनली ग धनी को कोमल लिया गया है। तो ग धनी कोमल वाले जितने भी राग होंगे वो आशावरी ठाट के होंगे, और आशावरी ठाट से बचाने के लिए बार बार रेमा पा लिया जाता है। उत्तरांग प्रधान राग है, इसलिए ज़्यादातर जो बंदिश है उत्तरांग प्रधान ही होता है। पग की संगति भी अच्छा लगता है। तो चलिए देख लेते हैं इस राग की आरोह अवरोह पकड़ और छोटा ख्याल या छोटा बंदिश। Mother.
राग।